आज हमने गेहूं के आटे का ये हेल्दी टेस्टी और बहुत कम घी तेल में बनने वाला नाश्ता बनाकर रेडी किया है। हमारे घर में तो ये नाश्ता बहुत पसंद किया जाता है। ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो चलिए आइए इस नाश्ते को बनाना शुरू कर। वही नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का बहुत ही हेल्दी टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता। इसके लिए हमने ये एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, एक कटोरी सूजी लिए, गेहूं का आटा लिया, उसके अंदर हमें एक कलछी सूजी डालेंगे, हींग डालेंगे, दो कटे हरा मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा पत्ती हरा धनिया पत्ती डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा प्याज डालेंगे, खड़ा जीरा, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर। ये देखिए सारी चीजें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स यकीन मानिए आपके घर में ये नाश्ता सबको बहुत पसंद आने वाला। हमारे घर में तो ये नाश्ता बहुत पसंद किया जाता है। ये देखिए घोल हमारा बनकर रेडी हो गया। पूरा घोल बनाने में हमको ये एक ग्लास पानी लगा। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटा हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, 5 मिनट हो गए। अब हम इसके अंदर कुछ बूंदे नींबू की ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट हो गए थे, बैटर हमारा रेस्ट कर चुका था। अब हमने गैस पर तवा चढ़ा दिया। इस तवे पर हम ये बैटर अपना स्प्रेड कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखिए नाश्ता हमारा एक तरफ से सिक गया है। अब हम इसको टर्न कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक कर रेडी कर लेंगे। हमारा नाश्ता एक नाश्ता हमारा सिक गया है, इसको हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। हमारा नाश्ता देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हम दूसरा नाश्ता बनने के लिए छोड़ देंगे। इसको पतला पतला फैला देंगे और बनने के लिए इसको दूसरा नाश्ता हम सेट कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी बनाई रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर रोज इसी तरीके की नई नई और आसान आसान हेल्दी रेसिपी लाते रहते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा नाश्ता भी सीख कर रेडी हो गया था। इसी तरीके से हम सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता सीख कर रेडी हो गया था, हमने इसकी प्लेटिंग कर ली। हम आपको दिखाते हैं कि हमारा नाश्ता कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई और आसान आसान रेसिपी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।